लखनऊ विधानसभा गेट पर कांग्रेसी विधायकों ने महंगाई को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो आपको बता दूं कि आज विधानसभा का दूसरा दिन है, पर प्रदर्शन कर रहे हैं विरोधी कांग्रेसी कार्यकर्ता, गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन करने पहुंच चुके हैं। कांग्रेसी विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया है। गैस के दाम में बढ़ोतरी को लेकर नारेबाजी की जा रही है और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग लगातार की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां महंगाई को लेकर विरोधी दल के सारे सदस्य मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गैस सिलेंडर के दामों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, उसको देखते हुए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। बड़ी कीमतों को वापस लेने की मांग भी यहां पे की जा रही है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेसी विधायक महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी का विरोध किया जा रहा है, साथ ही साथ महंगाई को लेकर कांग्रेसी विधायक जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी कीमतों को वापस लेने की यहां पे लगातार मांग की जा रही है। विधानसभा सत्र में भी कल शुरुआती में हंगामा देखने को मिला था, आज दूसरा दिन है, ऐसे में विरोधी जो है वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी हुई, उसको देखते हुए चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अभी फिलहाल जो है धरना प्रदर्शन जारी है और लगातार बड़े बड़े बैनर और पोस्टर हाथ में सभी कार्यकर्ता लेते हुए नजर आ रहे हैं। कल भी विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन किया था विरोधियों ने, कांग्रेसी विधायकों ने भी जोरदार प्रदर्शन किया था। कई मुद्दों को लेकर ये सारे विधायक जो है वो सदन में प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां कांग्रेसी विधायक जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास ये प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहा है और खास करके गैस सिलेंडर की जिस तरीके से दामों में इजाफा हुआ है, उसको देखते हुए यह प्रदर्शन जारी है। इसके साथ विधानसभा में सीएए और एनआरसी का भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, पर महंगाई अहम मुद्दा इस बार के विधानसभा सत्र में देखने को मिला, जहां पे गैस सिलेंडर की दाम जिस तरह से बढ़ी हुई है, उसको देखते हुए लोग प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां कांग्रेस विधायक का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। के विधायक चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और गैस सिलेंडर लेके आए हैं। आज दूसरा दिन है, आप लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है लगातार। किसान, गृहिणियां, महिलाएं सब परेशान है। जिस तरह से आज दाम बढ़ते चले जा रहे हैं और गैस का दाम 150 एक मुश्त बढ़ाया है, जिससे सभी परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और आज सरकार से मांग करती है कि बढ़ी दामों को वो वापस ले। अगर दाम वापस नहीं होता है, महंगाई एक मुद्दा है आप लोगों का, कल से उठा रहे हैं, क्या आज सदन में ये मुद्दा उठेगा, क्या माहौल रहेगा? निश्चित रूप से आज सदन के अंदर महंगाई का मुद्दा उठेगा। कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की जनता को वचन दिया है कि आपने जो जनादेश पक्ष बैठने का दिया है, हम आपके मुद्दों को सदन में उठाएंगे और सड़क पर उठाएंगे। हम उन दोनों दायित्वों का, दोनों वादों का निर्वहन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सदन शुरू होने के पहले कांग्रेस का एक धरना प्रदर्शन है चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर। आज दूसरे दिन प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मामला सदन में भी उठेगा और यहाँ भी हम प्रदर्शन करेंगे। कैमरामैन अमित शाही के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV लखनऊ। तो देखा आपने कि किस तरह से कांग्रेसी विधायक जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ लाइव हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव बने हुए हैं। नरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेसी विधायक जो भी है, जो एक भारी गुट मिलाकर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ प्रमुख मांगे है? क्योंकि महंगाई तो एक अहम मुद्दा है, बाकी वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो? देखिए, सरकार को घेरने के लिए विपक्ष लामबंद है यहाँ, जैसे कल भी प्रदर्शन हुआ था। और कांग्रेस के विधायक आज भी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया। मेन मुद्दा महंगाई को उठाए हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थों की महंगाई हो, चाहे गैस सिलेंडर की महंगाई हो। गैस सिलेंडर लेकर आज प्रदर्शन किया गया, बाहर से लेकर 2-3 सिलेंडर आए कांग्रेस के विधायक और सर पे उठाया और कहा कि सरकार जो मूल्य की वृद्धि हुई है गैस सिलेंडर में, उसको तत्काल वापस ले और हम लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं इसके खिलाफ। विधायकों ने कहा कि सदन में भी यह मुद्दा उठेगा।
इस तरीके से देखा जाए तो जो अचानक मूल वृद्धि हुई गैस सिलेंडर की, उत्तर प्रदेश में सदन चल रहा है, इनको एक अच्छा मौका मिल गया है कि अपनी आवाज मुखर करने का। महंगाई को एक साथ 150 रुपया बढ़ा है गैस सिलेंडर का दाम, तो इसको लेकर एक अच्छा मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है। इसको सदन से लेकर सदन के बाहर उठा रहे हैं और आज भी इनका कांग्रेसियों का प्रदर्शन रहा, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शामिल रहे और उनके सभी विधायक कांग्रेस के यहां पर आए और प्रदर्शन किए और महंगाई के खिलाफ नारे लगाए और मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की है। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा और विकास के जो दावे प्रदेश सरकार कर रही है उसको झूठा बताया और कहा कि सरकार लगातार दावे तो कर रही है लेकिन महंगाई के कम होने का नाम नहीं ले रही, कानून व्यवस्था सुधर नहीं रही है और जो किसानों के लिए धान के और गेहूं के मूल्य थे वो बढ़ाए गए लेकिन उनकी खरीद नहीं हो पाई। वहीं 2 सालों से गन्ना किसानों का मूल्य नहीं बढ़ाया गया है। इन सारे मुद्दों को लेकर कांग्रेस के विधायक आज दूसरे दिन भी चौधरी चरण सिंह की मूर्ति पर पहुंचे और यहां पर प्रदर्शन किया। अभी थोड़ी देर पहले सदन शुरू हो चुका है और अब कांग्रेस के विधायक सदन में भी ये मुद्दा उठाएंगे। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस BSP के भी विधायक इस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और आज जोरदार हंगामा भी सदन में देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल नरेंद्र, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि कल भी हमें ये हंगामा देखने को मिला था सदन की शुरुआत में, किस तरह से हंगामा कांग्रेसी विधायक कर रहे थे, विपक्ष कर रहे थे महंगाई को लेकर, वो साफ नजर आ रहा था। पर आज जिस तरीके से दिन की शुरुआत में वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, इससे ये साफ तौर से ये समझा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही के बीच भी वो आज प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कांग्रेसियों का, बसपा का और समाजवादी पार्टी के विधायकों का रुख रहा है कि सरकार को घेरना है, चाहे वो महंगाई हो चाहे वो कानून व्यवस्था है, लेकिन सरकार एक तरफ प्रयास कर रही है कि सदन को चलाया जा सके और इस पे बहस हो सके, लेकिन विपक्ष बहस के मूड में नहीं है क्योंकि विकास के दावे को सिरे से नकार रहा है विपक्ष। तो निश्चित तौर पर तमाम मुद्दों को लेकर आज सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और हंगामेदार रहेगा क्योंकि सरकार की कोई भी बात विपक्ष सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसी का नतीजा है कि सदन शुरू होने से पहले लगातार आज दूसरे दिन भी चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया गया। आलू, प्याज, धान, गेहूं, गन्ना की फसलें, ये सारी चीज़ें लेकर कल भी आई गई थी। आज कांग्रेस के विधायकों ने सिलेंडर लेके प्रदर्शन किया है तो रुख साफ है कि कोई चर्चा सुनने को तैयार विपक्ष नहीं होगा, सरकार पर हमलावर होगा और जवाब मांगेगा। आप देखने वाली बात होती है कि सदन कितने समय तक चलता है। जी जी बिल्कुल नरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अपडेट के लिए।